आयुष शर्मा को इस कदर जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा बॉक्स ऑफिस पर, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक खुद आयुष ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अंतिम की रिलीज के बाद क्या कुछ कहना है जनता का और क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मंडे तक का, चलिए आपको बताते हैं। इस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है सलमान खान की, हालांकि फुल पोटेंशियल नहीं है क्योंकि सलमान खान का नाम ही काफी है फिल्म को 100 करोड़ पहुंचाने के लिए। लेकिन बात की जाए अगर OTT के बाद थिएटर पे one of the few first releases की, तो definitely this film is performing quite well on its own merit। जी हाँ, इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आयुष शर्मा को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फैंस आयुष की पर्सनैलिटी को देखकर आयुष की स्टारडम इस फिल्म में अच्छी खासी नजर आ रही है। डेफिनेटली काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं आयुष इस फिल्म के बेसिस पर। आपको बता दूं जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी ओपनिंग डे पर ही 5.03 करोड़ का इस फिल्म ने बिजनेस किया। उसके बाद पहला वीकेंड खत्म होते तक यानी कि संडे रात तक इस फिल्म का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था 18.61 करोड़ का। इसके बाद बात की जाए एक ओवरऑल बिजनेस की, जिस दिन इस फिल्म ने, मैंने जैसा बताया कि ओपनिंग डे पर इस फिल्म का कलेक्शन था 5.03 करोड़ और उसी के साथ साथ मंडे का जो कलेक्शन है वो 2.80 से लेकर 3.30 करोड़ का था यानी कि डे 4 पर। अब तक टोटल ये फिल्म 21.41 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 21.91 करोड़ यानी कि आप 22 ओवरऑल पकड़ सकते हैं, 22 ओवरऑल करोड़ का बिजनेस कर चुकी है ये फिल्म। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा आयुष की फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं आयुष से इस फिल्म के जरिए। वेल, आपको कैसी लगी अंतिम, आपने देखी या नहीं देखी अब तक, बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।